खबरों मुड़ से आगे, इधर जमशेदपुर के निजी स्कूल में एडमिशन में धांधली मामले की 3 सदस्यीय टीम जांच में जुट गई है। 1 महीने में अंचल कार्यालय से 1000 से ज्यादा आय प्रमाण पत्र जारी हुए, इस मामले की भी जांच होगी। द्वारा खबर चलाए जाने के बाद एक जोरदार असर हुआ है। इस समय हमारे साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है, इनसे सीधे जुड़ते हैं। सर, क्या जांच का आदेश दिया गया है डीसी साहब के द्वारा और किन किन बिंदुओं पर जांच की जाएगी? देखिए, 2-3 चीज बिंदु है। एक तो कल आपका न्यूज 11 में मैसेज चला था और उससे पहले एक महिला गौरी देवी कह के एक आवेदन दिया था, उसी को लेकर के कल से ही हम लोगों ने इसमें जांच कमेटी डीसी साहब की तरफ बनाई गई है। उसमें मुझे रखा गया एडीएम लॉयंडर को, और साथ साथ हमारे डीसी लार साहब रविंद्र जी हैं और सविता टोपनो कार्यपालक दंडाधिकारी। तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और हम लोगों को जांच का बिंदु यह है कि जो आरटीए के माध्यम से जो भी एडमिशन लिया जा रहा है उसमें 25% आरटीए से एडमिशन लेना है। यहाँ क्या करते हैं, आरटीए के नाम से कोई दूसरे तीसरे लोगों का एडमिशन ले लेते हैं, एक तो। दूसरी बात, आय प्रमाण पत्र दिखा करके भी बहुत कोई एडमिशन लेते हैं जिसका आय प्रमाण पत्र की भी सत्यता की जांच किया जाना है। और चूंकि 25% इनको देना है, बहुत सारा विद्यालय 25% उसको पूरा नहीं करते हैं और गरीब के बच्चे को नहीं लिया जाता है, तो इन सब बातों पर जो शिकायत आई है उन शिकायत के बिंदुओं पर हमको जांच किया जाना है। और आपके द्वारा जो आपका न्यूज चैनल में जो दिखाया गया था उनके बिंदुओं पर भी हमकी सत्यता की जाँच की जानी है। एक और जो महिला गौरी देवी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि सभी प्राइवेट विद्यालयों में गवर्नमेंट का जो नाम से आरटीए के माध्यम से 25% लेना है एडमिशन, वो नहीं लिया जा रहा है गरीब के बच्चों को और साथ साथ बड़े बच्चों का, मतलब बड़े घराने वाले लोगों को लिया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें डोनेशन, जैसे कोई अभी एक मामला आया था प्रेयर लोयला का मामला आया है, प्रेयर हाउस बना रहे हो तो उसके लिए प्रेयर भवन के लिए अलग से चंदा लिया जा रहा है और उसमें करीब मामला आई थी, कुछ हमको कुछ सरसों से पता चला है कि मतलब 25-30 ऐसे लोगों से भी लिया गया है जो कि डोनेशन के बेसिस पे लिया जा रहा है, तो उसकी अगर सत्यता की जांच किया जा रहा है, अगर ये प्रूव हो जाती है तो इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ कल ही मैंने सभी विद्यालयों से एक सूची मांगी है कि आप कितने बीपीएल मतलब आरटीए के तहत कितने लोगों का एडमिशन कराया है, इसकी सूची उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने चिट्ठी दिया है कि 24 घंटे के अंदर वो सूची हमें दिया जाए ताकि उसकी सत्यता की भी हम लोग जांच करेंगे। वीडियो क्लिपिंग में जो युवक दिख रहा है दीपक देव नाम का, वो अपने आप को शिक्षा विभाग का कर्मचारी बताता है, तो क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए? क्योंकि ये तो सरासर गलत है कि अपने आप को शिक्षा विभाग या किसी विभाग का कर्मचारी बता के लोगों को ठगने का काम वो लगातार कर रहा है। नहीं, उस पर भी हम लोग टारगेट करेंगे, उसको भी देखेंगे वो कहाँ पे हैं, और जो अगर फर्जी आदमी इस तरह से बन करके कर रहा है तो उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जाँच का जो दायरा है कितने दिनों का है, कितने दिनों में आपको सबमिट कर देना है? सर, हम लोग का ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं लिखा, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर हम लोग जांच रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। स्कूल से लेके जेएनएससी एमएनएससी अंचल यहाँ का अंचल जो है वो जांच के दायरे में भी रहेगा। मैं पीयूष मिश्रा, कैमरा पर्सन अनवर के साथ न्यूज 11 जमशेदपुर।